आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो रेसिपी हम लोग बनाने जा रहे हैं वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि उसकी ग्रेवी यूनिक है। और ये है एक मटन रेसिपी, और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद शरीर के लिए। तो इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ये है आलमंड्स, जिसे रोस्ट कर लेंगे पहले। रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा होने दें और इसका एक पेस्ट बना लेंगे ऐसा। तो अब एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच तेल और बारीक कटी हुई प्याज को इसमें गोल्डन ब्राउन करना है। इसे अच्छी तरीके से पका लें, क्योंकि आगे चल के इस प्याज का भी पेस्ट करना होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये देखिए, और इसका भी हम लोग पेस्ट तैयार कर लेंगे ऐसा। अब मेन इंग्रेडिएंट्स का समय है, तो एक भगोना या पतीला या कढ़ाई के अंदर फिर से 2 चम्मच तेल। पूरा मटन रेसिपी जो हम लोग बनाएंगे ये सिर्फ इसी 2 चम्मच तेल से बन जाएगा। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 तेज़पत्ते, 2 साबुत लाल मिर्च, 3 से 4 हाफ टी स्पून जीरा। तो ये आ गया इसके अंदर जीरा। इन सभी को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद आएगा इसके अंदर प्याज, और प्याज अगर बड़े हों तो वो क्वार्टर कट्स, अगर छोटे हों तो हाफ कट्स, ऐसे डाल के मिला लेंगे। ये अच्छे से मिलाने के बाद बहुत ज़्यादा देर इस प्याज को नहीं पकाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्याज का पेस्ट हमारे पास तैयार है। तो अभी फटाफट इसके अंदर चला गया मटन, तो ये मटन गया। अब इसके अंदर सब दही, जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट, और इसी तरीके से जो हम लोगों ने जो पेस्ट बना रखा है बादाम का, वो पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, बादाम का जो पूरा पेस्ट है इसके अंदर जाएगा, और साथ में अदरक लहसुन एक एक करके डालते हैं। तो ये आ गया सबसे पहले अदरक, और ये आ जाएगा इसके अंदर लहसुन। स्वादा अनुसार नमक डालिएगा, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक यूज़ किया है। अब इसे जो हम लोग पकाएंगे ये नेक्स्ट 5 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकेगा, ताकि दही और जो आलमंड का जो पेस्ट है वो अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। इसे मिला लें और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे और ढक के ही पकाएंगे। अब ये 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल खोलता हुआ सा। अब इसके अंदर एक एक करके जो बाकी के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे प्याज वाला जो पेस्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये आ गया प्याज का पेस्ट, साथ में 1 टमाटर यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो टमाटर नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बस मैंने 1 टमाटर यूज़ किया है। और सारे मसालों की बारी है, अब सबसे पहले इसके अंदर जाएगा धनिया, धनिया पाउडर जो 1 चम्मच है, इसके बाद जीरा पाउडर, और उसके बाद
लाल मिर्च का पाउडर, मिर्च का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा इसके अंदर, क्योंकि पेस्ट जो है आलमंड का और दही का उससे मीठा ना हो जाए, इसलिए 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और आखिर में कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर लेंगे हम लोग 1 चम्मच के करीब, जिससे कि एक शानदार कलर इस रेसिपी को मिल जाएगा। और अभी जो पकाएंगे इसे अगले 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। इसे अच्छे तरीके से एक बार चला लें और ढक के कम से कम 20 मिनट के लिए पकने दें। मटन जितना आहिस्ता धीरे आंच पे पकेगा उसका फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। तो इसे पहले हम लोग ढक लेते हैं और तब तक दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बहुत पतला कॉटन का कपड़ा अगर हो तो उसके अंदर जितने भी हमारे खड़े गरम मसाले हैं, जैसे जावित्री, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, इन सभी को एक कपड़े में बांध के ना पोटली बना लेंगे हम लोग। ये देखिए ऐसा। अब चूंकि हमारा मटन को पकते हुए 20 मिनट हो गया है तो इसे एक बार चला लें अच्छे से, एक बार ऐसे। ये देखिए इसकी जो ग्रेवी है इसके अंदर ही सारा फ्लेवर आएगा, और ये इतना स्मूथ ग्रेवी होगा कि जैसे शाही पनीर टाइप। तो जो पोटली हम लोगों ने बनाया है गरम मसाला का, उसे अच्छे से डीप कर देंगे ताकि वो अपने जो एसेंस है इस रेसिपी के अंदर छोड़ दे। और अब जो है अगले 15 मिनट के लिए फिर से ढक के इसे पकाएंगे। ये देखिए तेल तो हमने डाला नहीं है, हालांकि 2 चम्मच ही तेल डाला है, पर जो भी ऊपर आ रहा है वो आलमंड पेस्ट का आ रहा है और मटन का अपना एक जो मसाला है वो आ रहा है। ये देखिए ये 50% कुक्ड दिख रहा है अभी, 50% का काम और रह गया है। तो इसे मैं प्रेशर कुकर में डाल के सीटी लगवा लूँगा। अगर आपके पास टाइम हो तो कम से कम 45 मिनट और पकने दें धीमे आंच पे, और नहीं तो 3 से 4 सीटी इसके अंदर लगेगा। ये देखिए ये 3री सीटी लग चुकी है और हमारा मटन, नटी मटन, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए ग्रेवी देख के ही ऐसा लग रहा है कि कितना टेस्टी है ये। ये इसके अंदर से पोटली हम लोग हटा लेंगे, ये, और इसे बिल्कुल गरम रोटी, नान या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इतनी आसानी से जो है ये अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि ये अब अच्छी तरीके से पक गया है। तो ऐसे ही कुछ यूनिक और हेल्दी रेसिपीज के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।